आज से करीब करोड़ साल पहले एक विशाल सागर हुआ करता था, जिसे आज हम तेथिस सागर कहते हैं। और उसी वक्त भारतीय उपमहाद्वीप यूरेशियन प्लेट से जा टकराया और जन्म हुआ विश्व का एक महान पर्वत श्रृंखला हिमालय की, जिसे आज विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ होने का गौरव प्राप्त है। तो ये है कहानी महान हिमालय की, और आप सुन रहे हैं मुझे यानी संगम कुमार को। तो अगर आपको इसी तरह का वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलती रहे। हिमालय दो शब्दों से बना है, हिम और आलय, जिसका अर्थ है बर्फ का घर। यह पर्वत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जिसका मुख्य भाग नेपाल, तिब्बत और भूटान में पड़ता है। हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी ने विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता को जन्म दिया था, जिसमें मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे विकसित नगर थे। और यही सिंधु नदी आज भी कलकल कर बहती आ रही है। इस विराट पर्वत ने कई सभ्यताओं को बनते और मिटते देखा, यानी भारत का इतिहास ही हिमालय है और हिमालय का इतिहास ही भारत है। और जब कभी भी हिमालय का जिक्र किया जाएगा तब तब बिना गंगा के हिमालय का नाम मुकम्मल नहीं होगा। सिंधु की तरह ही गंगा की भी उत्पत्ति हिमालय से ही हुई है, जिसके किनारे विश्व का सबसे प्राचीन शहर काशी बसा है। और इसी नदी ने कई पेड़ पौधों को अपने जल से सींचा और पशु पंछियों को एक नया जीवन प्रदान किया। बर्फ की चादर ओढ़े यह पर्वत समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। यही कारण है कि कई लोगों ने इस पर्वत को फतह करने की कोशिश की। साल 1953 में पहली बार सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरेगा ने इस पर्वत पर विजय हासिल किया। और इसी कड़ी में भारत की बचेंद्री पाल ने भी इस पर्वत को अपने कदमों के नीचे ला दिया। हर साल कई सैलानी यहाँ घूमने जाते हैं और कुछ लोग हिमालय को फतह करने के जुनून में अपनी जान भी गंवा देते हैं। यानी एवरेस्ट को फतह करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और यही कारण है कि रोमांच के शौकीनों के लिए यह जगह किसी एडवेंचर चैलेंज से कम नहीं है। हिमालय का चोटी किसी क्षेत्र में बहुत छोटा है तो किसी क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। सबसे ऊंची चोटियों को हिमाद्री, मध्यम को हिमाचल और सबसे छोटी चोटियों को शिवालिक कहते हैं। गंगा का उद्गम स्थान गोमुख, कैलाश पर्वत, बद्रीनाथ, कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ, ये सभी हिंदुओं के पूज्य स्थल हिमालय और उसके आसपास के इलाकों में ही बसा है। हिमालय को भगवान शिव का निवास स्थान भी बताया जाता है। कुदरत ने हिमालय को कुछ इस प्रकार सजाया है मानो पूरा स्वर्ग धरती पर ही हो। हिमालय प्रेम, करुणा एवं समर्पण का प्रतीक है। प्रकृति की इस दिव्यता और भव्यता को मैं प्रणाम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको सुझाव देना चाहते हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।